तो फ्रेंड्स मेरी आलू की टिक्कियाँ तैयार हो रही हैं। देखिए ये मैंने बना करके रख ली हैं, कुछ कुछ कढ़ाई में पड़ी हुई हैं, अभी मैं तल रही हूँ इन्हें, और कुछ अभी बनाने के लिए यहाँ पर बाकी हैं। थोड़ा सा घोल भी बाकी है, थोड़ी टिक्कियाँ बाकी है, तो ऐसे मैं बना रही हूँ। कुछ भी हो फ्रेंड्स, कोई भी सेलिब्रेशन हो, बाहर का मौसम कैसा भी हो रहा हो, आंधी आने वाली हो, बारिश होने वाली हो, या बढ़िया सुहाना सा मौसम है, किचन में मम्मियों को ही आना पड़ता है और इसको सब लोग बाहर खिड़की से देख के, दरवाजे से देख के, बालकनी से देख के मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं। और हम मम्मियाँ, बहनें, भाभियाँ जो भी हैं घर में, या लेडीज़ डिपार्टमेंट जो है, वो इस तरीके से किचन में आके अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना के उसको चार गुना और छः गुना, आठ गुना, दस गुना, दो गुना की तो बात ही किनारे कर दीजिए, कर देती हैं उस चीज़ को, इतना अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। और कभी कभी ये होता है ना कि बाहर वाले कहते हैं कि चलो, मतलब मान लो हम लोग गुस्साते भी हैं कि हम ही लोग बनाते हैं, ये करते हैं, लेकिन अगर घर वाले कहते हैं कि चलो आज बाहर से ही मंगा लेते हैं, तो हम ही लोग, हम लेडीज़ ही होते हैं जो सबसे पहले ये कहते हैं कि रहने दो, नहीं बनाने हैं, नहीं मंगाना है, हम ही लोग कुछ बना लेते हैं, जिससे कि घर में हेल्दी भी रहेगा। बाहर का कूड़ा कचरा खाने से अच्छा है कि घर में हेल्दी चीज़ खाओ, हेल्दी रहो, फिट रहो। और इस तरीके से फिर हम लोग अपने सारी चीज़ों को बनाते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग खा के और टेस्ट करके बताइए कि कैसा बनाया मैं।